हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा छोटा सा क्लाउड किचन जो मैं अपने घर से ही अपने छोटे से किचन से मैंने चलाया है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं अलग अलग तरह के रोज़ खाना बना रही हूँ और मेरा खाना मैं कई लोगों को दे रही हूँ, तो वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और उनमें बहुत पसंद भी आ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मुझे रिव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो मैं ना जो रिव्यूज़ है ना वो मैं आपको लास्ट में शो करूँगी कि कैसे मुझे रिव्यूज़ आए हैं। और यहाँ पे ना मैंने अपना क्लाउड किचन आज का तो क्लोज़ कर दिया है और मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हमारे क्लाउड किचन में ना डेली में कुछ ना कुछ ख़त्म होते ही रहता है, तो वो सारी प्रिपरेशन हमें एक दिन पहले रात को ही करके रखनी होती है ताकि दूसरे दिन ना एकदम अफरा तफरी ना हो जाए। तो यहाँ पे ना मूंगफली का चूरा ख़त्म हो गया था, तो जो साबूदाने की खिचड़ी के लिए जो लगता है तो वो मैंने सेक कर पीस के रख दिया है। और यहाँ पे जो जीरावन मसाला है वो ख़त्म हो गया है, इसे मैं अपने जो पोहे पर और जो आलू पराठा बनाती हूँ उसमें मैं यूज़ करती हूँ ये मसाले को। तो ये है ना पोहे पर बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, पोहा ना इसके बिना बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्पेशल मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ जीरावन का, तो इसकी आप ये रेसिपी भी देख सकते हैं साथ साथ में। यहाँ पर जो बेसिक से मसाले होते हैं बस वही सब मैंने लिया है, धनिया जीरा सौंफ और जो खड़े मसाले होते हैं वो सारा कुछ इसमें मैंने डाला है। और बस इसी के साथ में मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे जैसे नमक, काला नमक और लाल सूखी मिर्च की जगह पे मैंने चिली फ्लेक्स डाले, हल्की सी हल्दी डालना है और लाल मिर्ची का पाउडर डालना है, हींग ज़रूर से आपको डालना है यहाँ पर, और अमचूर पाउडर डालिए। और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा जो सौंठ का पाउडर होता है ना, अदरक वाला, अदरक का पाउडर वो मैंने इसमें डाला है, उसका बहुत ही अच्छा है ना एक टेस्ट आता है जीरावन में। अगर आपके पास जायफल है तो आप जायफल भी ज़रूर से थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। तो ये स्पेशली मैं पोहे के लिए जीरावन मसाला यूज़ करती हूँ। और वैसे आप ना इसे जैसे मसाले की पूरी वगैरह बना रहे हैं तो उसके साथ में भी आप इसे घी के साथ में खाएंगे ना तो बहुत टेस्ट लगती है। आप इडली वगैरह के ऊपर भी इसे थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, या डोसा अगर आप बना रहे हैं उस पर भी डाल दीजिए। आप फ्रैंकी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़, काफ़ी सारी चीज़ों में ना हम इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सब रात में मैंने तैयारी करके रख दी और ये दूसरे दिन सुबह में बस अपना डेली का मैंने काम किया, अपना पूजा वगैरह वो सब, और उसके बाद में 10 बजे मैंने अपना क्लाउड किचन ओपन किया और यहाँ पे मुझे नाश्ते के लिए ऑर्डर आ गए आलू पराठा, तो आलू पराठे मैंने बनाए हैं। तो फिर उसके बाद में आ गए मुझे जो थेपले का ऑर्डर, थेपला यहाँ पे मेथी का थेपला, मसाला थेपला, गार्लिक थेपला, ये 2-3 तरह के थेपले है मेरे मेनू में। तो यहाँ पे मैं बस वही थेपले के ऑर्डर कंप्लीट कर रही हूँ और फिर बाद में पोहा तो रहता ही है, तो पोहे के भी मैंने भिगा के रख दिया था। और देखिए थेपले बन गए, आलू पराठा हो गया और अब यहाँ पे पोहा भी मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मैंने पोहे में यूज़ किया है, मैं अंदर भी मसाले में डालती हूँ थोड़ा सा जीरावन और फिर बाद में इसे ना ऊपर से भी थोड़ा सा अच्छे से स्प्रिंकल कर देती हूँ कि ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और खाने में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। बस हरा धनिया और थोड़े से अनार के दाने डाल के मैंने इसे कर दिया है पैक। तो अगर आप भी मेरे क्लाउड किचन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो गायत्री होम किचन हैदराबाद में है, आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल में है, ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑन द वे ट्रेन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम लोग ट्रेन में भी ये पहुँचा देते हैं। तो बस स्विगी जोमेटो में आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसी तरह अपना साथ मुझे देते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।